नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने चेतावनी दे दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कूच करने की चेतावनी दी गई है। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर विश्व हिंदू सेना ने चेतावनी दे दी है। ज्ञान मस्जिद में कूच करने की ये चेतावनी मिली है। 8 अगस्त को लाखों की संख्या में ज्ञानवापी कूच करने की धमकी मिली है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगी है मां श्रृंगार गौरी मंदिर में करने की परमिशन। तो 8 अगस्त को लाखों की संख्या में ज्ञानवापी कूच करने की धमकी मिली है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन करने की परमिशन मांगी गई है। अनुमति ना देने पर बाबरी की तरह ही ज्ञानवापी का हश्र होने की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर विश्व हिंदू सेना ने चेतावनी दे दी है सरकार को। मिला है शिवलिंग, था ये लोग उसको धोपे थे, इनार में कुआं में टोप के रखे थे। शिवलिंग तो सदैव, वो तो मंदिर है ही है, बार बार हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, मंदिर है। श्रृंगार गौरी के बाद दर्शन भी करेंगे जो शिवलिंग मिला है। हाँ, श्रृंगार गौरी का हम दर्शन करेंगे, शिवलिंग का पूजा अर्चना करेंगे। शिवलिंग का भोग तो कोर्ट को, न्यायालय को आदेश कर देना चाहिए कि शिवलिंग का भोग लगना चालू हो के, आरती होना चालू हो के, माँ श्रृंगार गौरी का पूजा अर्चना चालू हो के। और अभी 8 अगस्त को आप जानेंगे कि 2021 में 16 अगस्त को मेरा गिरफ्तारी ऐसे छत्तर गेट के सामने हुआ था। अब फिर मैं 8 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक के आदेशानुसार, योगी मोदी के आदेशानुसार, माँ श्रृंगार गौरी का भव्य दर्शन एवं श्रृंगार एवं पूजा अर्चना करने जा रहा हूँ। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ज्ञानवापी मस्जिद को, मस्जिद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, विश्व हिंदू सेना ने चेतावनी दे दी है। जी देखिए, 2019 में सबसे पहले संस्था के बारे में जानना जरूरी है। ये संस्था पूर्व शिवसेना के एक प्रदेश प्रभारी रहे थे अरुण पाठक, उनके द्वारा खड़ी की गई ये संस्था है। और ज्ञानवापी मामले में कमीशन की कार्रवाई के बाद जैसे ही शिवलिंग के सामने, मतलब शिवलिंग का दावा किया गया कि शिवलिंग जैसी चीज वहां पे मिली है वजूखाने में, और उसको सील करने का आदेश दिया गया, उसके बाद से ही अदालत के बाहर भी जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो लगातार इस बात को लेकर के अपनी मांग रख रहे हैं कि उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए, उन्हें पूजन करने दिया जाए। अब ये चूंकि अदालत का मामला है, इसलिए प्रशासन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है कि अगर कोई वहां जाना चाहे तो उसे उस प्रशासन को रोकना ही पड़ेगा। और 8 अगस्त यानी कि सावन का जो आखिरी सोमवार है, उस दिन विश्व हिंदू सेना ने बाकायदा जो है श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का और जलाभिषेक करने का ऐलान कर दिया है, जो कि प्रशासन के लिए एक निश्चित तौर पर सिरदर्द होगा, क्योंकि सावन के दिन में सभी लोग भगवा कपड़े पहन करके कांवड़िए के रूप में विश्वनाथ परिसर के अंदर में मौजूद होंगे, लाखों की संख्या होगी, और ऐसे में इन उपद्रवियों को समझाना या पहचान पाना ये प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो चेतावनी दी गई है, चेतावनी कम, इसे धमकी कहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो धमकी दी गई है वो बाबरी मस्जिद वाला हश्र करने की धमकी दी गई है कि अगर मोदी योगी और प्रशासन अगर इजाजत देगा तो निश्चित तौर पे वो बाबरी की तरह ही इसका हश्र करेंगे, इस ज्ञानवापी मस्जिद का। तो निश्चित तौर पे अदालत के बाहर भी एक लड़ाई चल रही है समानांतर अलग अलग संगठनों के द्वारा, और उसी के बाबत ये जो धमकी दी गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस तरह की धमकी देने वालों से, या जो सौहार्द बिगाड़ने की जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, या अदालत के बाहर निपटने की बात की जाती है गैर संवैधानिक तरीके से, उससे प्रशासन कैसे निपटता है। जी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ जो है इस पे कार्रवाई की गई है अभी तक, और क्या कुछ व्यवस्था इस पे की गई है, क्योंकि चेतावनी बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पे देखिए, प्रशासन के संज्ञान में अभी ये मामला नहीं आया है, क्योंकि ये प्रेस वार्ता की गई थी, मीडिया के लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया था, और मीडिया के लोगों ने जब बाइट ली और जब उनकी तरफ से ये वक्तव्य आ गया, तब उसके बाद हड़कम मचा है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके का आपत्तिजनक बयान या जिस तरीके की धमकी दी गई है, जिससे एक जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसके बिगड़ने का खतरा है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि सीधा अदालत को भी चुनौती देने की बात कही गई है कि वो अदालती आदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि अदालत के अंदर में वो आदेश अभी तक, वो मामला अभी तक चल रहा है, जिसमें ये तय किया जाना है कि वजूखाने में शिवलिंग है या नहीं, पूजन का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अदालती कार्रवाई के बाहर जाकर के इस तरह की धमकी देना कि नहीं हमें आप इजाजत दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इस तरह की धमकी निस्संदेह कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में आएगा, और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन इसका संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो आगरा से आ रही है, जहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर हिंदूवादी संगठन का विरोध
काली माँ के मुंह में सिगरेट वाले सीन का विरोध किया गया है। हिंदू संगठन ने साफ तौर पर इसका विरोध जताया है। आगरा से बड़ी खबर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर विरोध शुरू हो गया है। काली माँ के मुंह में सिगरेट वाले सीन का विरोध किया गया है हिंदू संगठन द्वारा। काली माँ का रूप धारण कर हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन। देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। फिल्म मेकर के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे छत्ता डिप्टी एसपी ऑफिस। काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाए जाने पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही ये कहा है कि इस तरह के मखौली और जो देवी देवताओं के ऊपर जो ये इस तरह से हास्य जो सीन दिखाए जाते हैं, इस तरह के जो सीन बनाए जाते हैं, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री मूवी है काली, जिसमें एक दृश्य दिखाया गया था जहां पर काली माँ के जो है मुंह में सिगरेट वाले सीन को दिखाया गया था, जिसका विरोध अब शुरू हो गया है। हिंदू संगठन में काफी ज्यादा आक्रोश है इसे लेकर, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ हिंदू संगठन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो फिल्म मेकर के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे हैं हिंदू संगठन डिप्टी एसपी ऑफिस। काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वही फिल्म मेकर के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे हैं छत्ता डिप्टी एसपी ऑफिस। तो डॉक्यूमेंट्री मूवी है काली, जिसमें एक दृश्य दिखाया गया, काली माँ के मुंह में सिगरेट जो है दिखाई गई, तो उसके बाद अब विरोध शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है, विरोध जताते हुए अब फिल्म मेकर के खिलाफ तहरीर भी दी गई है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है काली, जिस पर काली माँ के मुंह में सिगरेट पीते काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया है, ये दृश्य दिखाया गया है, जिसके बाद अब देश भर में विरोध शुरू हो गया है। वहीं पर आगरा में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और साफ कह दिया है कि देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, हिंदू संगठनों में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी आक्रोश है। देखिए, फिलहाल कहने की कहा जा सकता है कि वेब सीरीज हो या कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को लेकर तमाम टिप्पणियां सामने आती हैं, उसी को देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली में जिस तरीके से काली माता के सीन में क्रिएशन किया गया है, जिसमें वो सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है, तो उसी को लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा एक विरोध और एक आक्रोश व्यक्त किया गया है। उसके लेकर फिल्म मेकर जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ एक तहरीर दी गई है सीओ छत्ता के यहाँ पर, वो लगातार कार्रवाई की मांग भी की गई है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री के बायकॉट करने की भी मांग की गई है और लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की जो चीजें आ रही हैं उसको लेकर हिंदू भावनाओं को आहत करने की भी आरोप जो है हिंदू संगठनों के द्वारा लगाए गए हैं। कहने की कहा जा सकता है कि हिंदू जो धर्म से सनातन धर्म को लेकर एक गलत टिप्पणी जो डॉक्यूमेंट्री के द्वारा पेश की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, यानी कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल काम कर रही है। जी जी, काफी बार देखा गया, जिस तरह से आपने कहा भी है कि कई फिल्में आई है, कई वेब सीरीज आई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, मखौली की जाती है, ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं जिससे जो है हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचे। वहीं पर अब जो है फिल्म मेकर का इस पर क्या कहना है, किस तरह से इन्होंने ये सीन जो किया है, क्या उनका इस पर क्या कहना है कि उन्होंने क्यों ये सीन जो है उन्होंने शूट किया?
देखिए फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री काली मूवी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन है, और कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तमाम जगह तमाम शहरों की तस्वीरें ये सामने आई हैं। यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन जो है अलग अलग तरीके से कहीं डिप्टी सीएम डिप्टी एसपी के यहाँ शिकायत कर रहे हैं, कहीं एसएसपी के यहाँ शिकायत कर रहे हैं, कहीं डीएम की शिकायत कर रहे हैं। तो जो जो आक्रोश है, जो भावना आहत हुई है, वो सीधा सीधा एक संदेश है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले जो फिल्म मेकर है इस तरह की भावनाओं को आहत करने वाली मूवी ना बनाए और एक गलत संदेश जो है समाज के अंदर ना जा पाए। तो क्या प्रशासन और सरकार की ओर से कुछ बयान इसमें सामने आया है कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए फिलहाल बता दें कि आप हिंदू संगठनों के द्वारा एक तहरीर जो है डिप्टी सीओ डिप्टी एसपी के यहाँ दी गई है, और लगातार जांच कार्रवाई के दौरान फिल्म मेकर से या जो भी जो टीम है उसके से कांटेक्ट किया जा रहा है। कांटेक्ट करने के बाद शायद हो सकता है कार्रवाई के तहत इसमें मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जौनपुर में बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के फलूपुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि एक पिकअप ने टेम्पो ट्रैवलर यानी कि मिनी बस को टोचन करके ले जा रही थी और फलूपुर हाईवे पर वो पहुंची थी, जिसके बाद वो अनियंत्रित हो गई और एक ट्रक टेम्पो ट्रैवलर से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मृतक की पहचान कर ली है, तो वहीं 2 लोगों की पहचान अभी भी बाकी है। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर जौनपुर में बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के फतूपुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक पिकअप ने टेम्पो ट्रैवलर यानी कि मिनी बस को जो है ले जा रही थी, जिस दौरान ये घटना हुई, ट्रक जो है टकरा गया, अनियंत्रित हो गया था, जिसके बाद वो टेम्पो ट्रैवलर से टकरा गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो काफी भीषण सड़क हादसा ये बताया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। एक अनियंत्रित होकर टेम्पो ट्रैवलर से टकरा गया था ट्रक, हादसे में 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, विवेक कुमार। विवेक, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, आपको बता दूं, बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के फतूपुर हाईवे पर जो है ट्रक की चपेट में आने से टेम्पो सवार 3 लोगों की जो है मौके पर मौत हो जाती है। और बताया जाता कि एक पिकअप जो है और टेम्पो को टोचन करके जो है ले जा रही थी, हालांकि जो है जिस तरह से जो है ट्रक की जो है टेम्पो को टक्कर मारती 3 की मौत की खबर, जबकि 2 घटने में घायल हो जाते, और पुलिस मौके पर पहुंची, सभी शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच में जुड़ जाती थी। तो कहां से ये ट्रक आ रहा था, मतलब कौन इसका चालक था, कुछ जानकारी मिली है? घटना के बाद जो है चालक फरार बताया गया, हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, बताया गया ट्रक जो है प्रयागराज से आ रहा था, बदलापुर के पास ही हादसा हुआ। जी, काफी बार देखा गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो ऐसे भीषण हादसे हमने देखे हो, पुलिस का क्या कहना है, किस तरह की ये व्यवस्था है और किस तरह के अब व्यवस्था को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? और जाहिर सी बात है, हाईवे की घटना है, जो हाईवे में जो है तेज रफ्तार की कार देखने मिलता है, जो है जौनपुर में जो है सड़क हादसा में जो लोग की अब जान गंवानी पड़ती है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी अब एक्टिव होने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को जो है जिस तरह से जो है तेज रफ्तार वाहनों गति जो है और एक मानक के हिसाब से जो है बोर्ड लगाना जाना चाहिए हाईवे पर, जो है जिस तरह से तेज गति जो वाहन नहीं चलाते, जिस तरह से जो है पुलिस को भी एक पहल करने की जरूरत है। जी, जो जो 3 लोगों की मौत हुई है, क्या वो साथी थे या फिर एक ही कंपनी में काम करते, कौन है ये लोग जो 3 लोगों की मौत हुई है, उनको लेकर कोई जानकारी? जो 3 लोगों की मौत है, 2 का शिनाखत हो पाया है, 2 एक ही गांव के रहने वाला, इसकी शिनाखत नहीं हो पाया, हालांकि पुलिस जो है उसके पास से जो है मिले जो है कागजात के जो हिसाब से जो है शिनाखत करने जुटी हुई, 3 की मौत और 2 घायल है, दोनों घायलों को जो है जिला चिकित्सालय में इलाज कराया जा रहा है। जी, तो 2 लोगों की कह रहे हैं पहचान नहीं हो पाई है, उनको लेकर क्या मतलब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है अभी? 2 की जो है शिनाखत नहीं हो पाया, हालांकि पुलिस जो है उनके टेम्पो कहाँ से आ रहा था, उस गांव में जो है गांव के लोगों से जनप्रतिनिधि पुलिस मुलाकात करें, उनकी फोटो के हिसाब से जो है आप पहचान कराने के लिए जुटी है, पुलिस का कहना है इनके परिवार को पहचान होने के बाद जानकारी दी जाएगी, हालांकि जो है जो 2 घायल है उनका इलाज जो है जिले चिकित्सालय में चल रहा है, जिसमें की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज जो है अभी भी जारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक
जो है टेम्पो में घुस गया, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक की शिनाख्त हो चुकी है, तो वहीं 2 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो जौनपुर से बड़ी खबर। वहीं मैनपुरी के महिला थाने में युवक द्वारा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। महिला थाने में हंगामा काटने और मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी युवक के पत्नी से चल रहे विवाद के चलते थाने बुलाकर उसे बुलाया गया था। उसी समय युवक ने गुस्सा कर मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति जो बवाल कर रहा है इस वीडियो में, वो विष्णु दीक्षित है, और इसके विरुद्ध इसके ससुर द्वारा अपनी पुत्री को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और दहेज के लिए पैसा मांगने का मुकदमा महिला थाने में पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही थी। कल इसको नोटिस तामील कराने हेतु बुलाया गया था, जहां पे ये अपना आपा खो गया और पुलिस के साथ इसने हाथापाई और अवज्ञा करनी शुरू कर दी गई है। इसके द्वारा जो कृत्य किया गया, इसके संबंध में कोतवाली मैनपुरी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैनपुरी के महिला थाने का यह पूरा प्रकरण है, जो इसमें युवक पुलिस कर्मी के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। ये फतेहाबाद जनपद का निवासी विष्णु दीक्षित है। इसका पत्नी से अपनी विवाद चल रहा था, जिसमें FIR की एक दर्ज थी। इसी FIR को लेकर जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए महिला SO के द्वारा इनको थाने पर बुलाया गया था। जैसे ही थाने पर इनको बुलाया गया, उसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये विष्णु मिश्रा जो है वो हाइपर हो गया, उसके बाद में उसने पुलिस कर्मी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पूरा वीडियो जो है वहां पर लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, देखा जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से पुलिस वाले पर हाथ छोड़ रहा है, किस तरह से उनकी पिटाई कर रहा है। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अब उस पर? देखिए, विष्णु मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है, जो परिजन विष्णु मिश्रा के बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन जो है वो खोया हुआ है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते उसने मारपीट कर दी। हालांकि पुलिस है, पुलिस ने एक नया मुकदमा शहर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज किया है, इसके खिलाफ उसको जेल भेजने की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ी चीज ये भी है कि जो मानसिक संतुलन की बात परिजन कर रहे हैं, उस पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक जो मधुबन कुमार सिंह है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हेल्थ रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो अगर पेश करते हैं परिजन, तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है, क्योंकि दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है, तो देखा जा सकता है जिस तरह से जो है युवक अपना आपा खो रहा है, तो वो घर पे भी किस तरह से उन्होंने महिला के साथ जो है व्यवहार किया होगा, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो क्या अब महिला की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? देखिए, कटरा समान की निवासी जो दिव्या दीक्षित है, उनकी शादी विष्णु दीक्षित के साथ में हुई थी, जिसके बाद में जो विष्णु दीक्षित के द्वारा दिव्या दीक्षित के साथ मारपीट की जाने लगी। दिव्या दीक्षित के पिता ने थाना किसनी में एक तहरीर दी थी, उत्पीड़न का आरोप लगाया था, दहेज उत्पीड़न के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद में किसनी पुलिस ने मामला भी पंजीकृत किया हुआ है, इसी पर जांच पड़ताल लगातार चल रही थी। दोनों पक्ष जो है अलग अलग रह रहे थे, विष्णु मिश्रा अपने फरकाबाद में रह रहा था और ये जो महिला है वो अपने कटरा समान में निवास कर रही थी। दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा महिला थाने में बुलाया गया था, इसी दौरान पूछताछ के दौरान यह घटना हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मैनपुरी से वीडियो सामने आया है, जहां पर महिला थाने में पुलिसकर्मी से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो दहेज उत्पीड़न को लेकर महिला थाने पहुंची थी तहरीर देने के लिए, जिसके बाद युवक को बुलाया गया। आरोपी युवक को जब थाने बुलाया गया, पूछताछ की गई, तो उसने अपना आपा खो दिया और पुलिस वाले पर ही हाथ उठाना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।